डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको गणित प्रतिभा नीना गुप्ता के बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट, गणित प्रतिभा नीना गुप्ता द्वारा सजातीय बीजीय समस्या को हल करने के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। गणित प्रतिभा नीना गुप्ता ने ZCP अर्थात जारिस की कैंसिलेशन समस्या का समाधान करके विश्व के गणितज्ञों को हैरत में डाल दिया। जारिस की कैंसिलेशन समस्या को सर्वप्रथम जारिस की ने 1949 में पेरिस कोलाक्वेम में उठाया था। ZCP तीन चरों से संबंधित समस्या है। ये तीन चर बहुपद रिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह समस्या रसेल विरोधाभास की तरह ही है। इस गणितीय समस्या अर्थात ZCP का समाधान करने के लिए बहुत से गणितज्ञों ने माथापच्ची की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। गणित प्रतिभा नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के परिसर में स्कूल छात्रा थी। इस संस्थान में वह शुद्ध गणित में शोध कर रही थी जब उसने ZCP अर्थात जारिस की कैंसिलेशन प्रॉब्लम के बारे में सुना, तो उसने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। गणित प्रतिभा नीना गुप्ता ने बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद ZCP समस्या का समाधान किया। ZCP समस्या के समाधान के साथ ही गणितज्ञ मकर लिमानोव के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान भी दिया। प्रोफेसर आसानुमा ने गणित प्रतिभा नीना गुप्ता को चेताया भी कि समस्या बहुत जटिल है, लेकिन उसने ZCP समस्या का समाधान करके ही दम लिया। उसने इस कार्य से दुनिया भर से प्रशंसा हासिल की, साथ ही कई अवार्ड भी जीते। गणित प्रतिभा नीना गुप्ता की तुलना मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी से की जाती है। नीना गुप्ता ने अपनी इस सफलता पर कहा कि भगवान ने सभी को बिना किसी भेदभाव के कुछ न कुछ विशेष क्षमता से लैस किया है। यह बात ठीक भी है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। जिनमें अति विशिष्ट प्रतिभा होती है उन्हें ज़्यादा कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी प्रतिभाएं अपना मार्ग खुद तय करती हैं। उन्हीं में गणित प्रतिभा नीना गुप्ता शामिल है। लेकिन कुछ में प्रतिभा तो होती है, परंतु उनकी प्रतिभा को पहचान कर उससे निखारने व उभारने पर ही वे आगे बढ़ती हैं। यदि इस प्रकार की प्रतिभाओं को अवसर प्रदान न किया जाए या उनकी प्रतिभा की पहचान न की जाए अथवा उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास न किया जाए, तो इस प्रकार की प्रतिभाएं कठिनाइयों में दम तोड़ देती है, अर्थात उनकी प्रतिभा सुस्ती रह जाती है। संसार उनके कार्यों से लाभान्वित नहीं हो पाता है। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिनकी अवहेलना करने, उन पर ध्यान न देने या उचित सुविधा प्रदान न करने पर या तो वे गुमनामी के अंधेरे में पड़ी रहती हैं या विक्षिप्त हो जाती हैं। उदाहरणार्थ बिहार के बेहतरीन गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के बीमार होने पर उन्हें उचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराई गई। वे कई वर्षों तक बीमारी से जूझते रहे, परंतु न तो सक्षम संगठनों व सरकारों ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली और कई वर्षों की बीमारी के बाद भी परलोक सिधार गए। हमारे सिस्टम की नाकामी और हमारे लिए ये कलंक की बात है जो हम इस तरह की प्रतिभाओं के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। गणित प्रतिभा नीना गुप्ता ने ZCP का समाधान करके भारत का गौरव बढ़ाया है। अंत में मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी बात पसंद आई हो उसे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।